कभी भारत में बर्फ की सीलियों से ठंडा किया जाता था एसी कोच। भारत में ट्रेन की शुरुआत 1853 में हुई थी और तब पूरी ट्रेन में एक भी एसी कोच नहीं हुआ करता था। ये बात कम ही लोगों को पता होगी कि देश में पहली एयर कंडीशनर ट्रेन कब शुरू हुई थी। भारत में पहली एसी ट्रेन 1934 में शुरू की गई थी। फ्रंटियर मेल नाम की ये ट्रेन उस वक्त बॉम्बे से पेशावर तक चलती थी। उस समय एयर कंडीशनर ट्रेन को ठंडा करने के लिए बर्फ की सीलियों का इस्तेमाल किया जाता था। ट्रेन को ठंडा रखने के लिए बर्फ की सीलियों का इस्तेमाल किया जाता था। 1928 में शुरू हुई पंजाब मेल में साल 1934 में एसी कोच जोड़ दिया गया था। इसका नाम बाद में फ्रंटियर मेल कर दिया गया। उस समय भारत में एयर कंडीशनर नहीं आए थे तो ट्रेन को ठंडा रखने के लिए बर्फ की सीलियों का इस्तेमाल किया जाता था। ये ट्रेन पहली बार मुंबई के कोलाबा स्टेशन से चलकर पेशावर पहुंची। ट्रेन दिल्ली, पंजाब और लाहौर होती हुई पेशावर पहुंचती थी। ट्रेन 72 घंटे में ये सफर पूरा करती थी। इस ट्रेन की खासियत थी कि ये कभी लेट नहीं होती थी। शुरुआत के 11 महीने बाद ट्रेन जब लेट हुई तो सरकार ने कार्रवाई करते हुए ड्राइवर को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। 1930 से 1940 तक ट्रेन में 6 बोगियां थी जिनमें 450 लोग एक साथ सफर कर सकते थे। डाइनिंग बोगी को बाद में बदलकर पेंट्री कार बना दिया गया। ट्रेन में मिलने वाला खाना केवल फर्स्ट और सेकेंड क्लास यात्रियों के लिए होता था। 1970 में फ्रंटियर मेल में भाप के इंजन की जगह डीजल इंजन लगा दिया गया और 1996 में इसका नाम बदलकर गोल्डन टेम्पल मेल कर दिया गया। ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों को न्यूज पेपर, बुक्स और ताश के पत्ते एंटरटेनमेंट के लिए दिए जाते थे। कोच में टेम्परेचर को स्थिर रखने के लिए ब्लोअर लगाए जाते थे जो बैटरी से चलते थे। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी बार बार बर्फ की सीलियां भरने की थी। बर्फ से ट्रेन को ठंडा रखना काफी चैलेंजिंग था। इसके लिए अलग से स्टाफ भी रखा गया था जो ट्रेन में बर्फ चढ़ाने का काम करता था। इस ट्रेन को लंदन के अखबार द टाइम्स ने भी बेस्ट ट्रेन का टाइटल दिया था। पार्टीशन के बाद ट्रेन केवल मुंबई से अमृतसर तक चलाई जाने लगी और 1996 में इसका नाम बदलकर गोल्डन टेम्पल मेल कर दिया गया। शुरुआती समय में ट्रेन में भारी सामान चढ़ाने और उतारने के लिए क्रेन की जगह हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था। सबसे पहले हाथियों का इस्तेमाल बड़ौदा में किया गया था। 1940 में अंग्रेजों के लिए ट्रेन के अंदर डाइनिंग रूम बनाए गए। 1960 में ऐसा दिखता था मुंबई रेलवे स्टेशन। 1853 भारत की पहली ट्रेन जो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी।